इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर और उनके बेटे विवेक राम सोनकर एक बार पुनः सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार अंचल सोनकर के बेटे पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री की आवाज एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल कर धार्मिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज एसपी ऑफिस का घेराव किया और चेतावनी दी है कि अगर 24-48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगा। पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर के पुत्र राम सोनकर द्वारा हमारे जबलपुर और महाकौशल के लोकप्रिय नेता लखन गंगोरिया जी की एक वीडियो में एडिटिंग करके छेड़छाड़ करके उस वीडियो को चेंज करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस ने एसपी महोदय के नाम पर एक ज्ञापन प्रेषित किया है और हमने मांग की कि 48 घंटों के अंदर राम सोनकर पर मामला बने, आईटी सेल की कानून के तहत इन पर मामला बनाया जाए। आज कांग्रेस के युवा नेता जो जतिन राज है उनके द्वारा और कांग्रेस के आमजन द्वारा ज्ञापन दिया गया एसपी ऑफिस में कि राम सोनकर द्वारा जो डेंगू की सरकार है उसके खिलाफ जो उसको परिवर्तित करके हिंदू सरकार के बारे में एक पोस्ट डाला गया है जिस संबंध में इनका ये कहना है कि उसकी तथ्यात्मक जांच करवा लें और ऐसा कांग्रेसजनों द्वारा कोई भी नहीं कहा गया है किसी भी हिंदू संगठन या हिंदू लोगों के विरुद्ध, तो उसके खिलाफ जो भी उन्होंने लिखा है राम सोनकर ने उसके विरुद्ध इनका ज्ञापन है कि उसकी जाँच की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। जबलपुर में सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर मोक्ष संस्थाओं में पड़े लवार शवों का पिंडदान किया गया। जबलपुर की मोक्ष मानव सेवा जन उत्थान संस्था एक ऐसी संस्थान है जिसने अभी तक सैकड़ों शवों का न सिर्फ अंतिम संस्कार किया है बल्कि सैकड़ों गरीब लोगों के खाने पीने से मदद भी की है। ये मोक्ष संस्था पितृपक्ष के समय जाने अनजाने लवार शवों का पिंडदान भी करती रह रही है और इसी कड़ी में सर्वपित्र अमावस्या के मौके पर माँ नर्मदा के तिलवारा घाट तट पर मोक्ष संस्था के सदस्यों ने लवार शवों का पिंडदान किया और भगवान से मृतकों की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। इस अमावस्या पर ऐसे लोग और ऐसे पूर्वज जिनको हम विदित नहीं कर पाते हैं या फिर जिन जो हमारे लिए अज्ञात हैं उनका हम पिंडदान करते हैं। मोक्ष के माध्यम से हमने कई हज़ारों शवों का संस्कार इन बीते 20 वर्षों में लावारिस अज्ञात लोगों को किया है। 2020 से 2021 वर्तमान तक हम कोविड शवों के संस्कार करते हैं। जाने अनजाने ऐसा प्रकोप आया जिसमें परिवार और रिश्ते तार-तार हो गए। इस व्यवस्था में मोक्ष ने इस संकल्प को लिया और उनको अंतिम दिशा में उनका हिंदू मुस्लिम से कई जिस भी धर्म के अनुयायी थे उनके अंतिम संस्कार किए। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रेगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयरहाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में जिला प्रशासन की माफिया दमन दल की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है जिसमें जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस और नगर निगम के साथ मिलकर महाराजपुर में करीब 11 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। सरकारी जमीन पर मोहम्मद यूसुफ ने न सिर्फ कब्जा कर रखा था बल्कि वहां पर मकान भी तान दिया था। अनुभाग आधारताल के ग्राम सुहागी में कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद भी भू माफिया यूसुफ खान निवासी ओमती के द्वारा, जो कि स्वयं खसरा नंबर 125 के भूस्वामी हैं, जमीन का विक्रय 125 का किया लेकिन मौके पर नज़दीक में ही मौजूद खसरा नंबर 126 और 27 की लगभग 4 एकड़ जमीन पर इनके द्वारा मकान और प्लॉट बेचे गए हैं। मौके पर ऐसे जितने भी प्लॉट जिनकी प्लिंथ भरी हुई थी उनका हटा दिया गया, 2 मकान भी यहाँ गिराए गए हैं और शासन की बेस कीमती जमीन जो सुहागी मेन रोड पर है 4 एकड़ को आज मुक्त कराया। जबलपुर के हनुमानताल में बीते 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 17 साल की किशोरी की हुई मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस ऑनर किलिंग का आरोपी और कोई नहीं खुद किशोरी का पिता निकला, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी के पिता को गिरफ्तार किया है जबकि 17 साल की किशोरी के प्रेमी के खिलाफ भी पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।